प्रेक्टा सर्वसेवा संघ ने धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 50 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। प्रेक्टा सर्वसेवा संघ की चेयरमैन प्रीति नागपाल ने बताया कि उनकी संस्था नामी अस्पतालों के साथ मिलकर वर्षों से अलग अलग इलाके में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाती आ रही है। आईपी एक्सटेंशन इलाके में लगे इस कैंप में कैंसर जांच के लिए विशेष टीम के अलावा डायटिशियन की भी टीम मौजूद रही। जी, ये विधि अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन कॉर्पोरगंज में आज हमारी संस्था प्रेक्टा सर्व सेवा संघ के सहयोग से धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वसुंधरा इंक्लेव के तहत हम लोगों ने यहाँ पे फ्री चेकअप कैंप लगाया है। तो अभी तक तो हमने कई चेकअप कैंप्स लगाए हैं, जिसमें आज की जो खासियत है इसमें कैंसर ऑनको डिपार्टमेंट से हमें बहुत ज़बरदस्त मदद मिली है और खासा यहाँ पेशेंट्स जो डायग्नोज भी हुए हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकली है। तो एक दिली तमन्ना थी कि इनके स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस की जाए, तो वो आज मुझे कैंसर से रिलेटेड जो तसल्ली मिली है शायद कभी लाइफ में नहीं मिली अभी तक की जो भी मैंने कैंप्स कराए हैं। उसके साथ साथ आज डाइटिशियन भी और डाइटिशियन के साथ हमारे डेंटल, ऑर्थोपेडिक, BMD, PFT, शुगर, ब्लड प्रेशर सारे ही टेस्ट हुए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ विधि अपार्टमेंट्स के सभी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स का, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जिन्होंने मुझे मेरी संस्था को बहुत पूर्ण रूप से सहयोग दिया है इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप को लगाने के लिए। और धर्मशिला विनायक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में मुझे पूर्ण रूप से सहयोग। इस कैंप में लोगों का इलाज के लिए पहुंची डॉक्टर ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है। लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए ताकि समय रहते बीमारी का इलाज किया जा सके। कैंसर रोग विशेषज्ञ ने बताया कि जरूरी है लोगों को अपनी स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। आई हैव सीन ऑलमोस्ट अबाउट 60-70 पेशेंट्स, जिसमें से कि 20 प्लस पेशेंट्स को जरूरत है स्क्रीनिंग, और जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखा है जो एग्रीवेट होकर कभी कैंसर बन सकता है या उसका प्री मैलिग्नेंट स्टेज पे। उन पर मरीजों को क्या, जैसे कैंसर के प्रति अभी भी लोग जागरूक नहीं है, ज़्यादातर देखा गया है कि लास्ट स्टेज या सेकंड थर्ड स्टेज में लोग पर को पता चलता है, तो ऐसे लोगों को आपकी तरफ से क्या सजेस्ट है कि किस तरीके से अपने प्रिकॉशन ले या किस तरीके से अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें? वही देखिए, कैंसर होना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि उसका लास्ट स्टेज में या लेटर स्टेजेस में पता लगता, तो वही हमारा एक मोटिव है कि पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, दैट इज हम एक हर पेशेंट को सिखाएं कि अगर एक साला मुँह में है 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए है तो वो शक में आता है। हर औरत को पता होना चाहिए कि अपने ब्रेस्ट को खुद कैसे एग्जामिन करना है, तो वही हमारा पेशेंट को वही मोटिवेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस तरह के कैंप से कितना कुछ फ़ायदा मिलता है मैम लोगों को जागरूक करने के लिए पेशेंट को? पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलता है और ये कैंप आई थिंक और ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज पेशेंट्स को खुद फील हो रहा है कि हमें ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, एंड वो भी सैटिस्फाइड हुए। इस कैंप में मौजूद डेंटिस्ट ने बताया कि दांत शरीर का उपयोगी हिस्सा है, इसके बावजूद भी लोग दांत के प्रति लापरवाह रहते हैं। डॉक्टर के मुताबिक कम से कम 6 माह के अंदर दांत को डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर ये बताइए कि कितने पेशेंट को आपने देखा है और क्या कुछ कमियां लगी लोगों में दांत के? मैंने अभी तक 60-70 पेशेंट्स अप्रॉक्सीमेटली देखी है, जिसमें से ऑलमोस्ट हर पेशेंट दांत की प्रॉब्लम है। पेशेंट्स वेट करते हैं कि जब हमें दर्द होगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दर्द से पहले भी हम ठीक कर सकते हैं, जैसे कैविटी है, दांतों में कितनी सारी गंदगी जमा है, तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट में हमें देखने को मिलती है। दांत के प्रति ज़्यादातर लोग लापरवाह होते हैं, अब तो वैसे मरीज को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए दांत एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी बॉडी कनेक्टेड है, अगर दांत में कुछ इन्फेक्शन है तो वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, दांतों को इग्नोर ना करें। डॉक्टर के पास रोज नहीं, हर 2 महीने में नहीं, पर 6 से 8 महीने में ज़रूर एक डेंटल चेकअप के लिए। इलाके में लगे इस कैंप की लोगों ने खूब प्रशंसा की। लोगों ने कहा कि इस कैंप से उन्हें बहुत फायदा पहुंचा।